There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Assalamu alaikum, kya haal hai, kaise aap sab? Umeed hai sab theek honge. Meri tabiyat bahut kharab ho chuki hai aur kal mujhe apna aap sahi lag raha tha, aur dobara se pata nahi kya masla hai. ऐसे लड़ाई रसोई भी है, 9 बज रहे हैं, तो मैंने कहा खाना बना लेते हैं, क्योंकि आज इसका वैक्सीनेशन डे है आयरा का, तो फिर वहाँ जाना है हॉस्पिटल. तो ये मैं खिचड़ी बना रही हूँ. ये काली दाल है और ये मोटा चावल है. ये मैंने कल साफ़ करके इन बॉक्सेस में रख दिया था ताकि मुझे बनाना फिर ईजी हो. किचन में साफ़ करके सोई थी रात को. तो चले प्रेशर कुकर निकालते हैं. ये देखिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ. ये भी सारी टॉफीज है, ये भी सारी टॉफीज है. ये अगर मैं फ्रेंड के पास गई, मेरी फ्रेंड है यहाँ पे पाकिस्तानी, तो हाफ मैं उसको दूंगी, क्योंकि उनको भी शायद पाकिस्तानी टॉफीज याद आ रही हो मेरी तरह. तो चलिए खाना बनाती हूँ, उसके बाद जब बेजल उठ जाएगी तब नाश्ता तैयार करती हूँ, ठीक है? हाँ जी, तो हम निकल चुके हैं वैक्सीनेशन के लिए और जगह को इग्नोर करें, बहुत गंदी हुई हुई है. ये आयरा है अपनी कार सीट में, की तबीयत आज बहुत ही ख़राब है, और एजल की भी है. एजल है, एजल चलो जल चलते हैं. सो हम पहुंच गए बनियास हेल्थ केयर इसकी वैक्सीनेशन के लिए. पता है इसको लगाती भी है कि लगाती भी नहीं, क्योंकि इसको फ्लू है. फीवर तो अब नहीं है बट फ्लू है. और ये पीछे ही नहीं बैठ रही मैडम. इधर इधर तो हम आते थे ना, अच्छा एक ही बार आए, वो जो बंद था. हाँ कुछ हुआ नहीं था. चलिए अंदर जाते हैं. इस मैडम को आज मैंने पिन पहनाई है, होने की जगह प्यारी लग रही है. आयरा चले जाते हैं अंदर. रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो बाहर आती हूँ फिर आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है? आयरा ए बी पॉजिटिव, इन दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, और मेरा भी. और आपका ए पॉजिटिव. हाँ जी, तो रजिस्ट्रेशन हमारी हो गई है. अब यहाँ पे फीडिंग रूम है, यहाँ पे बैठ के मैं इसको फीड करती हूँ. हाँ रॉकिंग चेयर, माशाल्लाह क्या ही बात है. ओए ऐसे फाड़ दिया. नो, ये क्या चीज़ है यार. इसको मैं फीड करती हूँ, जब इसकी बारी आ जाएगी फिर निकलते हैं, ठीक है? तो मज़ी मज़ी की चेयर्स है यार, किस पे बैठूँ? दीदियों की तरह खुश हो रही हूँ. चलें फीड करती हूँ. हाँ जी, तो हम आ गए वापस गाड़ी में, और वैक्सीनेशन नहीं हो पाई क्योंकि नो एजल, क्योंकि उसको फीवर ना सॉरी बुखार, क्या नाम है, ये तंग कर रही है यार. उसको वो है ज़ुकाम है, तो मैंने रीशेड्यूल किया है इसको नेक्स्ट वीक तक. मैं इसको ज़रा संभालती हूँ, इस पागल को, इसने पागल कर दिया हमें सीरियसली. और नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह आएंगे हम. अभी मैं घर के अंदर आई हूँ, और ये देखिए टमाटर. ओह यार, मुझे तो कुछ हो रहा है देखकर, इतने मज़े के लग रहे हैं यार. ये तो मैं ही लूँगी सारे, एक बार ये रेड हो जाए छोड़ूंगी नहीं मैं. इस बंदे से बात करनी पड़ी. वाह ये देखिए, ये भी कुछ है जो ख़राब हो गए. इस बंदे की सारी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, ना देता है किसी को ना ख़ुद खाता है. तो अभी मैं बनाने लगी हूँ एजल और आयरा के लिए खिचड़ी. तो इसमें मैं डालूँगी जस्ट असील का देसी घी,
ये वाला, ये मुझे बहुत पसंद है, और ज़ीरा और नमक और ये दाल चावल, ये भिगो के रख दी थी मैंने। तो इसको अब 2-3 दफ़ा धोती हूँ, उसके बाद इसमें ढेर सारा पानी डाल के, जी उसके बाद इसमें ढेर सारा पानी डाल के इसको रख दूँगी यहाँ पे, और साथ में ये पोटैटो भी डाल दूँगी। तो ये बॉईल कर रही थी मैं, बट मैंने ये छोड़ दिया था, तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, तो पोटैटो, दाल चावल, घी, ज़ीरा और नमक। ठीक है, मैं दिखाती हूँ। तो ये घी पिघल रहा है, साथ ही मैंने ज़ीरा डाल दिया है थोड़ा सा। अब फिर ये डालूँगी, आलू डालूँगी, नमक डालूँगी और पानी डालकर इसको मैं 6-7 सीटी आने तक पकाऊंगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। फिर इतनी मज़े की खुशबू आ रही है देसी घी की। हल्दी डालना है, हल्दी थोड़ा सा डाल देती हूँ यार, हल्दी इज़ अ मस्ट, क्योंकि ये मैं खोलती हूँ, हल्दी भी डालती हूँ साथ में। ठीक है, सो ये देखिए, इसमें आलू, दाल चावल, पिंच नमक और पिंच ही मैंने डाली है, हल्दी और पानी डाल दिया, इसको पका लेते हैं बस। तो अब 6-7 सीटी आने के बाद इसको मैं खोलती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। ठीक है, सो ये रही खिचड़ी, और हाफ मैंने इसमें डाल दी, थोड़ा सा पानी डाला है, और इसको मैं इसके साथ मैश कर लूँगी। ठीक है, ये दूसरा ऑन हो गया, चलिए मैं इसको लगाती हूँ, फिर दिखाती हूँ, मैश करके दिखाती हूँ। सही मोबाइल, हाँ जी, तो ये है हमारी खिचड़ी, दाल चावल और देसी घी, और थोड़ा सा देसी घी मैंने ऊपर से दोबारा डाला है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। यम 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 यम। अच्छा जी, तो अभी हम तैयार होके बाहर जाने लगे हैं, और ये मिरर का हाल देखिए, जल्दी गंदा किया है, और मैंने शूज़ अभी तक नहीं पहने, पहनूंगी। और ये है मेरा आउटफिट, क्योंकि तो पाकिस्तान में पुराना हो चुका है पहन पहन के, और साथ में आयरा भी तैयार है, मेरी तरफ देख रही है माशाल्लाह। और एजल को भी दिखा दूँ ये, ओके ओब पानी मांग रही है, बस तो मैं पानी को कहते ओब, उसको ओब दे देती हूँ ओब। और ये इसका, ये मेरी सिस्टर की मेहंदी भी पहना था इसने, और सबको बहुत पसंद आया था, और ये शूज़ मेरे हस्बैंड लाए थे यहाँ यहीं से ही। और बस ये भी तैयार है, हस्बैंड आते हैं तो निकलते हैं। इसको मैंने एप्पल दिया था माशाल्लाह से, कितना रह गया है, ये कुछ पीसेस रह गए, इसको मैंने पूरा एप्पल दिया था, पूरा एप्पल माशाल्लाह इजीली खा लेती है। तो चले, किचन भी साफ है और हम भी तैयार है, आयरा भी तैयार है, इसको मैंने जस्ट कैप पहनानी है, खुश हो गई देखिए, इसको मैंने वहाँ पे लिखाया था, इधर आ गई है, ये क्रॉल करना स्टार्ट हुई है माशाल्लाह से, और वो फ्रेम्स भी लग गए हैं, वो मैं दिखा दूँ। आयरा, एजल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए अभी निकलते हैं, फिर आपसे बाहर मिलती हूँ, टाटा। इसकी हरकतें चेक करें, मैं थंबनेल के लिए पिक्चर ले रही थी, और साथ में इतनी खुश हो रही है मिरर में खुद को देख कर। ये कौन है, कौन है ये, हुई शी, शी इज एजल, एजल एजल, वेयर इज आयरा सिस्टर, सिस्टर वेयर इज आयरा सिस्टर, ये अपने साथ खेल रही है, इसको मैं हटाती हूँ वहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि ये काई भी गिरा चुकी है अपने ऊपर। एजल, there's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here, it's been way too long, if I could lay down beside you, I would, when nothing really That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I'll see you soon. If I can let. मौसम देखिए, इतनी मज़े का हुआ है, और इतनी ठंडी हवा चल रही है। आयजल को भी मैंने कुछ नहीं पहनाया, आयरा को मैंने जस्ट कैप पहनाई है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी मामा हूँ। हाँ जाए,
तरह से तहाड़ है ये वाला, यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी जिसको किसी ने टोक दिया था। वो देखिए फ्लैग्स यूवी के अच्छे लग रहे हैं। तो चले जाते हैं मॉल फिर मिलते हैं। हाँ जी, तो वापस हम आ गए और ये चीज़ें ली है। ये मिल्क लिया है एजल का, एजल को मैं ये मिल्क देती हूँ फ्रेश मिल्क। साथ में आयरा की डायपर्स हैं, ये को टैटूज है क्योंकि मैंने कटर्स बनाए हैं। आयरा का सीरियल है बीटन फ्रूट्स वाला, और उसके अलावा चॉकलेट्स थे वो मेरे पर्स में है, ये वाले स्नीकर्स क्योंकि मुझे पसंद है। उसके अलावा हमने के एफ सी के डायनामाइट बॉक्सेस लिए हैं, एक ये वाला है और दूसरा भी सेम है ये वाला, ये बस सेम ही है। और साथ में कोल्सलो जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो चले करते हैं डिनर और मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अभी मैं बनाने लगी हूँ ये आयरा का ड्रोमैक्स और ये है सेफा क्लार एजल का, तो इनकी एंटीबायोटिक्स बनाने लगी हूँ दोनों की। ये दूंगी और ब्लॉग को एंड करती हूँ आप लोगों से। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, टाटा टाटा, चलो अल्लाह हाफिज।